के रुझान आपके सामने हैं और ब्रॉडली इस एग्जिट पोल में क्या खास बात निकल कर आ रही है मैं आपको बता दूं कि सारे एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि एनडीए की सीटें पिछले चुनाव के मुकाबले में ज्यादा आने वाली है। पिछले चुनाव में यानी कि 2019 में बीजेपी को मिली थी 303 सीटें और एनडीए को मिली थी 352 सीटें। ज्यादातर एग्जिट पोल 350 से 380 सीटों के बीच के रुझान बता रहे हैं और अमूमन जो एवरेज निकल कर आ रही है वो 370 सीटों के आसपास की, 365 सीटों के आसपास की आ रही, यानी कि पहले से ज्यादा सीटें आ सकती है। एक ऐसा भी है एग्जिट पोल जो 401 तक की सीटें के अनुमान लगा रहा है। अब बड़ी बात क्या है, इससे आपको टेक अवे क्या लेना है, दो तीन चीजें हैं जो कल जो सोमवार को सुबह जब हम खुलेंगे बाजार के लिए जो इम्पोर्टेंट है। पहली इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि देखिए बीजेपी को जो पासिंग मार्क्स यानी कि 272 सीटें चाहिए वो आसानी से आ रही है। फर्स्ट डिवीजन वाले मार्क्स यानी कि 303 सीटें जो पिछले बार के इलेक्शन की है वो भी बड़ी आसानी से आ रही है। और तीसरी चीज जो ये कि अगर हम 320-325 या 303 के ऊपर सीटें ले आए यानी कि वो डिस्टिंक्शन मार्क्स होगा तो वो भी आता हुआ दिख रहा है। तो कम से कम ये है कि न पास होने में मुश्किल है न फर्स्ट डिवीजन लाने में मुश्किल है, अब तो डिस्टिंक्शन मार्क्स की तैयारी हो रही कि कितनी आती है। तो ओवरऑल इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया ये होता दिख रहा है। ये है, आइए एक के बाद एक सारे सवाल आते। विवेक हमें पूछ रहे कितना गैप अप एक्सपेक्टेड है। देखिए दो चीजें हैं सोमवार को बाजार के लिए जिस पर गैप अप होगा। पहली जो रिजल्ट्स हैं, इस रिजल्ट्स के बाद आपको जो कुछ भी डर है चुनाव के नतीजे को लेकर, अब एग्जैक्ट क्या होगा वो तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन 3 जून की सुबह आपका डर निकल जाएगा कि कहीं कोई सरकार बनने बनाने में दिक्कत नहीं है। तो पहला उस पर होगा रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन आपका होगा इस बात को लेकर कि भाई चलिए ये तो ठीक है, क्या कुछ हो रहा है इकोनॉमी के फ्रंट पर। 7.8% जीडीपी का नंबर, ये दूसरी बड़ी चीज है, और स्टेबल ग्लोबल मार्केट्स। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो ये तीन इक्के अगर आपके हाथ, तीन पत्ती खेले नहीं होंगे तो देखे तो होंगे ना, अगर आपने आपके हाथ में तीन इक्के दे फिर हारना मुश्किल है। तो गैप अप तो होगा। तो मेरा ये मानना है कहीं कहीं 22,800 से 23,000 की रेंज में जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। तो सोमवार के लिए ये इरादा है मेरा, 22,800 से 23,000 की निफ्टी ये हो सकती है। ओके, और भरत कावरा जी कह रहे हैं मंडे को क्या करना है इन्वेस्टर्स, थोड़ा पैसा लगा सकते हैं आप एग्जिट पोल के दम पर। अगर आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करना है, 70-75-80 रुपए आप सोमवार को इन्वेस्ट कर लीजिए, 20 रुपए आप इलेक्शन के दसवीं के बाद 4 जून के बाद 5 तारीख के लिए रख सकते हैं। ओके, और सवाल जो आ रहे हैं, टाटा मोटर्स प्लीज एडवाइस होल्ड करिए। बिल्कुल राय, एचके कपूर साहब की तरफ का सवाल है, आपके लिए बिल्कुल राय है। डीकेएस 9966 सर यू आर ग्रेट, थैंक यू भाई साहब, धन्यवाद। बैंक निफ्टी के लिए भी एक सवाल आ रहा है बींग प्रशांत जी, बैंक निफ्टी भी आपके लिए नए हाइस की तरफ बढ़ने की तैयारी करेगा। एक बात तो तय है कि 49,000 के आसपास हम बंद हुए, 49,500 तो कल क्रॉस हो ही जाएगा, उसके बाद 50,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश ये भी करेगा। पीएफसी क्या करें, पीएफसी तेजी की राय है, बिल्कुल बन रहे हैं। वेदांता पॉजिटिव है, हम वेदांता पर भी यहाँ पर भी, और बीएल हमारा ऑल टाइम फेवरेट है, बिल्कुल होल्ड करिए, कोई चिंता की बात नहीं है। एनएचपीसी बहुत बढ़िया शेयर है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, ये सिर्फ सोमवार मंगलवार वाली बात नहीं, आप होल्ड करिए। इरेडा या हुडको, बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि दोनों ही भागे हुए स्टॉक है, आशीष शर्मा साहब पूछे, तो दोनों में अगर इस लेवल में पूछेंगे तो मैं कहूंगा हुडको इज बेटर, ये है। और अदानी ग्रुप के शेयर, जाहिर सी बात है कुछ अंदाजा अदानी ग्रुप के शेयरों को कल लगाया था, तेज दौड़ लगाई, लेकिन इन एग्जिट पॉल के बाद सोमवार को और चलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। बीएल मैं बता ही चुका हूँ, सरविंद कुमार साहब पूछ रहे हैं, जी हाँ तेजी का रुझान है। जीएमडीसी मुझे पसंद है, ऑलरेडी मैं दे भी चुका हूँ। जोमेटो पर राय लेना चाहते हैं विपिन जी, जोमेटो बिल्कुल होल्ड करें। अब की बार पीएम अहमद मैं नहीं बन रहा सर, मैं बहुत बिजी हूँ शो करने में। अरे सर ये पूछने की बात है, कौन मतलब क्या, एक ही है मोदी जी और क्या है, वही बनने वाले। जियो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बढ़िया है, पॉजिटिव खबरें प्राइस में है, नया निवेश करने के लिए थोड़ा इंतजार करें, लगाया हुआ है पैसा तो बिल्कुल होल्ड करें, यह आपके लिए राय है। एमटार शिपाल जैन साहब, शिपाल जी थोड़ा सा स्टॉक ढीला हुआ है, परफॉर्मेंस थोड़ी सी कमजोर आ रही है, शायद थोड़ा सा लंबा इंतजार करें, कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा समय इनका अभी खराब चल रहा है तो थोड़ी सी देर इंतजार कर ले, रुक जाए। बेस्ट पीएसयू कौन सा है,
ये पूछ रहे राघव जैन साहब, देखिए बेस्ट पीएसयू के लिए तो मैंने आपको 3 फंड सजेस्ट किए थे, उन पीएसयू फंड्स में आप पैसा लगा लीजिए। बेहतर है कि किसी अगर आपको एक ही खरीदना है तो पीएसयू फंड खरीदिए, क्वांट का भी है, आईसीआईसीआई का भी है, 2-3 फंड्स ऐसे हैं जिनके पास पीएसयू फंड्स हैं उनमें आप पैसा लगा लीजिए। क्या जून एक्सपायरी तक निफ्टी 24,000 टच कर सकता है? देखिये इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी को मैंने आपको एक स्लोगन दिया था, 24 में 24,000 के लेवल पर हम अभी भी बुलिश हैं, पॉजिटिव हैं, ये आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब रहा सवाल इसी एक एक्सपायरी में हो जाए, अगर आप 400 पार करा दे तो बिल्कुल संभव है, लेकिन अगर हाँ 350-370 के आसपास हैं तो हम चलेंगे, लेकिन रुक रुक कर तब मेरा टारगेट 23,400-23,500 का होगा इस सीरीज के लिए। लेकिन हाँ कुछ बढ़िया मैंडेट 400 प्लस का आ जाए तो हो सकता है हम 24,000 भी इसी महीने पहुंच जाए, बड़ी बात नहीं है। ABFRL बिल्कुल रखिए, होल्ड करिए, अच्छा स्टॉक है, डीमर्जर हो रहा है आपके लिए, हमने खरीदारी की राय भी दी थी इस साल दिवाली पर, बिल्कुल होल्ड करिए, एक साल के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, आपके पोर्टफोलियो में आना चाहिए। IRB इंफ्रा होल्ड किया जा सकता है, कुछ प्रोमोटर्स की तरफ से ब्लॉक डील हुई थी उसकी वजह से स्टॉक नीचे आया था, आप होल्ड करिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके अलावा HUL अच्छा है, कंजम्पशन स्टॉक फॉर ए चेंज मुझे अच्छे नजर आ रहे हैं, मॉनसून अच्छा है, रूरल इकोनॉमी में थोड़े रिवाइवल के संकेत, तो मुझे लगता है FMCG शेयरों पर ध्यान रखिए, कोई एक अच्छा सा FMCG फंड करके म्यूचुअल फंड में वहां पैसा डाल दीजिए, मुझे लगता है वहां अच्छी तेजी बन सकती है। टाइटन हम पॉजिटिव हैं, बुलिश हैं, एशियन पेंट्स अभी थोड़ा छोड़ दिए, मजा नहीं है, लेकिन जब चलने के संकेत आएगा तो हम बताएंगे। विशाल अरोरा साहब पूछ रहे हैं HAL के लिए, 100% बाय एंड होल्ड है, सोचने की बात ही नहीं है, बिल्कुल इसमें। REC अनुज मित्तल साहब पूछ रहे हैं बिल्कुल होल्ड करिए, REC और PFC, विपिन जी पूछ रहे हैं अच्छा सवाल है, दोनों में से एक लेना है तो PFC। SBI 100% होल्ड है, खरीद भी सकते हैं, टाटा कम्युनिकेशन और वेराफोन दोनों आपके पास होने चाहिए, नहीं है तो दोनों खरीदिए, दोनों में बाय कॉल है मेरा। और इसके अलावा FMCG शेयर में कैन यू गो विद ITC, यस यू कैन गो विद ITC ऑल्सो, ITC में 500 रुपए के आसपास के हमारे टारगेट है, उसके लिए ले सकते हैं। BSE और टाटा मोटर्स, नवीन भरते जी, नवीन जी झगड़ा करवाओगे घर में, दोनों ही लो थोड़ा थोड़ा, ऐसा थोड़ी होता है कि BSE टाटा मोटर दोनों का क्या मुकाबला है, एक एक्सचेंज दूसरा पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी, दोनों के बीच में कोई मुकाबला नहीं, दोनों लीजिए। भरत कावरा साहब है, मंडे को क्या करना है, इन्वेस्टमेंट में बता ही चुका हूँ, अगर आप कैश में बैठे थोड़ा और पैसा लगा लीजिए। गजेंद्र सिंह जी पूछ कह रहे हैं विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे नेहरा, अरे धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, मैं कल मनाऊंगा, आज काम करने दीजिए, आज बर्थडे नहीं, आज सिर्फ काम है, बिल्कुल, और बड़ा दिन है तो काम करना जरूरी भी है। एक और सवाल है यहाँ पर, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कब पैसा लगाना है? जब आपका मन हो अभी लगाइए, और थोड़ा रिस्क कम लेना चाहते हैं तो 4 जून को इलेक्शन के नतीजे देखकर लगा लीजिए। जब भी कोचिंग शिपयार्ड, रोहित योगा ऋषिकेश नाम बड़ा आपका इंटरेस्टिंग दिख रहा है, ऋषिकेश में योगा करने वाले रोहित जी कोचिंग शिपयार्ड पर पूछ रहे, बिल्कुल कोचिंग शिपयार्ड आपके लिए 100% होल्ड है, बिल्कुल जल्दी में बेचें। EIL आनंद जी पूछे इस बार के रिजल्ट खराब आए लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी ठीक है, रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आदित्य बिरला कैपिटल का बताओ प्लीज, अरे इतना प्लीज लिखने की क्या जरूरत है, मोहित जी अगर सवाल पढ़ लिया तो जवाब पक्का आएगा, बिल्कुल 100% होल्ड है, चिंता न करें। अदानी पावर होल्ड है, अरविंदो फार्मा होल्ड है, NHPC सेल SGN तीनों अच्छे हैं, DLF टाटा स्टील, दोनों में DLF मुझे ज्यादा पसंद है, ये आपके लिए। मुकुल में कुल भी COOL लिखा है, वाह भाई साहब मुकुल जी अपने नाम की स्पेलिंग बिगाड़ रहे, वेरी गुड, ओके। SGN बाय करें कल, अब आप कल के लिए कर रहे हैं तो मत करिए, और अगर साल दो साल के लिए कर रहे हैं तो कल कर लीजिए, परसों कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इन्वेस्टमेंट के लिए आज से टैक्स में को रेल हमें पसंद है, बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो में आप इसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो निफ्टी ऊपर जाएगा सर, अरे भाई साहब भाविन जी भावेश श्रीमान जी कह रहे हैं निफ्टी, भावेश जी सुना नहीं हो मेरा डायलॉग, इंसान हो या निफ्टी अंत में जाना ऊपर ही है, तो ऊपर ही जाएगा भाई साहब, वो कहां जाएगा, हम और आप, हम भी ऊपर जाएंगे, निफ्टी भी ऊपर जाएगा, काम एक ही करना है, जब तक निफ्टी ऊपर न जाए तब तक आप और हमको नीचे बना रहना है, हेल्थ का ध्यान रखिए, नीचे बना रहिए, निफ्टी अपने आप समय के साथ ऊपर जाता रहेगा, चिंता बिल्कुल भी न करें, बिल्कुल बने रहें, डटे रहें, आपकी बन जाएगी वेल्थ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। दिव्या नंदन गोस्वामी कह रहे हैं कि निफ्टी कॉल में मंडे को प्रॉफिट बुक करें क्या? देखिए अगर आपको ट्यूजडे की रिस्क नहीं रखनी है और अच्छा मुनाफा हो रहा है तो खरीद भी सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ी रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर वही वाली बात है कि आपको पता है
आर या पार वाला मामला है 4 जून को, ठीक है ना। गिव अ लिटिल रेस्ट टू योर बॉडी जेकब जी। अरे जेकब जी थैंक यू सो मच, अरे आप इतना ध्यान रख रहे हैं, बट मैं बिल्कुल देखिए कहीं थकान दिख रही है, मैं चुस्त दुरुस्त एकदम मस्त स्वस्थ हूँ एकदम बढ़िया। आपकी शुभकामनाएं जो है। स्टॉक अप वाले पूछे LIC पर भी हो, अरे जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी रखिए ऐसे पोर्टफोलियो में। पहला टारगेट 1200 और इवेंचुअली 1500 का टारगेट LIC पर है, बिल्कुल होल्ड करिए। और ये सारे टारगेट जो मैं अब बोल रहा हूँ ये ध्यान में रखिए, ये इस बात पर कि बीजेपी की और NDA की सरकार आसानी से बनेगी ये ध्यान रखिए। भेल ले या ना ले सर, भेल बिल्कुल लें, अच्छा स्टॉक है, रखना चाहिए आपको अपने पोर्टफोलियो में, कोई दिक्कत नहीं। कृष्णा जैन जी हैप्पी बर्थडे कह रही, धन्यवाद कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। अनुज बजाज CA साहब कह रहे हैं माई डॉटर प्रकृति सेइंग हाय टू यू, हाय बेटा, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू। प्रकृति जी को बहुत ढेर सारा प्यार। टेक महिंद्रा बिल्कुल होल्ड करिए, कोई चिंता की बात नहीं, बढ़िया स्टॉक है, रखिए। इरकोन मेरा फेवरेट है, रेलवे में रखिएगा, मेरे माई फेवरेट स्टॉक। देखिए मेरा तो वक्त के साथ फेवरेट बदलता रहता है, अलग अलग समय और लिस्ट लंबी है, अभी तो मैं आपको एक ही चीज कहता हूँ, मेरा फेवरेट सेंसेक्स और निफ्टी है, अगर एक ही स्टॉक आप पूछे तो। ओके, एक हमारे HP साहब कर, आई एम बुलिश ऑन यू, धन्यवाद सर। दीपक जी बर्थडे विशेष भेज रहे हैं, चंदन जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा डेटा पैटर्न्स डिफेंस शेयर, डेटा पैटर्न्स बिल्कुल होल्ड करिए, बहुत बढ़िया शेयर है, आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। MTR शुड बी एड मोर, अभी नहीं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, एक क्वार्टर के नंबर्स ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको MTR और एड करना है। टाइगर हुड, ओहो टाइगर हुड की जगह टाइगर हुड, देन हैप्पी बर्थडे मिस्टर सिंह, यू मेड मी लीन एंड लर्न एंड अर्न, अरे वाह थैंक यू, वील सेंड ए स्पेशल गिफ्ट, प्लीज शेयर द एड्रेस ऑफ फॉर द सेम। अरे भाई टाइगर जी, आपके दिल में मेरा घर है, वही एड्रेस है, आपने दिल से बोल दिया, थैंक यू सो मच, आई गॉट योर गिफ्ट, आपका प्यार काफी है। बस इसी तरह से वो कहते हैं दुआओं में याद रखना, तो कभी भी जब आप अच्छा फील करें तो याद करें, थैंक यू सो मच, और भगवान की दया है कि आप सीख भी रहे, कमा भी रहे, लर्न भी कर रहे हैं, अर्न भी कर रहे हैं, बने रहे, लगे रहे, डटे रहे, ये ज्यादा बढ़िया आपके हमारे लिए। बजाज फाइनेंस होल्ड या सेल, वैसे होल्ड है, बट मैं बजाज फाइनेंस से ज्यादा श्रीराम फाइनेंस पर और चोला पर ज्यादा बुलिश हूँ इस वक्त, अगर NBFC आप मुझे। बैंक निफ्टी सर, बैंक निफ्टी पॉजिटिव हूँ, बुलिश हूँ बिल्कुल, अगर आप अपने पास है तो होल्ड करिए। कल मुझे लगता है कि 49,500 के पार निकलना चाहिए, आई मीन सोमवार को, तेजी का व्यू है इसमें। सर आपका शायराना अंदाज गजब का था, हो अच्छा आपने लगता है शो देखा है, थैंक यू। MTR टेक CUB का क्या होगा, दोनों अच्छे हैं, MTR थोड़ा सा वक्त ले सकता है, CUB भी बढ़िया है। संगीता जी चोपड़ा थैंक यू, आप बिल्कुल होल्ड करिए, कोई चिंता की बात नहीं। RVNL पसंद है, रखिए आप, IRB में बोल ही चुका हूँ रखिए। अदानी स्टॉक का रिव्यू पॉजिटिव है, पिक ऑफ द ईयर आ रही है, बर्थडे पिक्स दूंगा मैं आपको, चिंता मत करिए, आने की तैयारी में मैं इंतजार, एक तो संडे आ गया और दूसरा मैं ये सोच रहा था कि इलेक्शन के पहले दूं या इलेक्शन के बाद, तो वही सोच रहा हूँ। आप लोग मुझे ट्वीट करके बताइएगा या मुझे कहिएगा कि मुझे बर्थडे पिक्स सोमवार को देनी चाहिए, मंगलवार को इलेक्शन के नतीजे देखने के बाद बुधवार को दूं, दूंगा पक्का, कब दूं यही डिसाइड करना है। JSW इंफ्रा सुरेश जी पूछ रहे हैं, हमें बहुत पसंद है सर, रखिए आप अपने प्रोफाइल में, कोई दिक्कत नहीं। सौरभ सत्या जी कह रहे हैं सर लव यू सो मच, थैंक यू सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर इंफ्रा बेस्ट पिक LNT है, इसमें कोई डाउट ही नहीं, वो आपको रखना चाहिए। और हम हैप्पी बर्थडे MJ कह रहे हैं मुझे, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस सक्सेस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। BOB में क्या करें, BOB बिल्कुल होल्ड करिए, अच्छा स्टॉक है, रखिए इसे, कोई दिक्कत नहीं। गेल पे भी मैं पॉजिटिव हूँ, यहाँ पे भी एक्शन थोड़ा तेजी का हो सकता है, आप रख सकते हैं। केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौरा, दोनों में बैंक ऑफ बड़ौरा थोड़ा सा मुझे बेटर लगता है। अंकित शर्मा जी का ये सवाल है, अंकित जी के लिए मेरा जवाब। इसके अलावा क्या BJP 370 को निफ्टी 23,500 हो सकता है, अगर BJP की 370 तो 23,500 पक्का हो जाएगा, BJP की, नॉट NDA, ध्यान से आप सवाल ढंग से ड्राफ्ट कीजिए, अगर BJP 370 है तो 23,500 पक्का है निफ्टी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। राम राम मंदिर जी, अगले 3 साल के लिए एक स्टॉक, मुझे 60,000 का 6 लाख का लॉस है। प्रमोद जी, अरे प्रमोद जी गजब कर रहे हैं, इतना कितना लॉस है, मैं आपको कुछ पिक्स बताने वाला हूँ, 3 साल के लिए शांति से उसमें इन्वेस्ट करके बैठिए, मैं 1-2 दिनों में आपको मेरी बर्थडे पिक्स दूंगा, वहां पर निवेश करिएगा। प्रवीण जी की तरफ से बर्थडे विशेष है, धन्यवाद सर।
IDFC बैंक, बिल्कुल IDFC बैंक पे मैं बुलिश हूँ। हिट्स राजपाल साहब पूछ रहे हैं, बिल्कुल रखिए। अनिल सर मेरे भी बोली ऑगमेंट जी, थैंक यू ऑगमेंट जी। अब आपका एक्चुअल नाम क्या है वो तो पता नहीं, इसमें ऑगमेंट लिखा हुआ आ रहा है। और वेदांता पर व्यू धवल जी जानना चाहते हैं, धवल जी वेदांता पर मेरा व्यू पॉजिटिव है, बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं। जोमेटो पर व्यू कुछ दिनों से डाउन है, बिल्कुल है कपिल जी, चिंता मत कीजिए। कई बार स्टॉक समय से पहले भाग जाते हैं, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, एक क्वार्टर रिजल्ट और इंतजार कीजिए, ब्लिंकिट की परफॉर्मेंस आगे और काम आएगी, चिंता मत कीजिए। इलेक्शन रिजल्ट पे क्या परचेस करना चाहिए? अब कल तो सारे आपसे गैप से ऊपर खुलेंगे, तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होगा, जो लेकर गए उन्हें फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि कल देखते हैं, अगर स्टॉक्स ज्यादा गैप से नहीं खुले तो बिल्कुल खरीदारी की राय हम आपको देंगे उस वक्त, तो इंतजार करिएगा। और असित अग्रवाल जी, अनिल जी, राम राम, राम राम सर, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। आपको कुछ और सवाल आ रहे हैं, जहाँ पर नीलम श्रीवानी जी, निफ्टी 4 जून टारगेट। नीलम जी आप मुझे 4 दिन की इलेक्शन की सीट बता दीजिए, मैं आपको अभी टारगेट दे देता हूँ। तो एक 4 दिन का तो देना मुश्किल है, कल के टारगेट जरूर मैं दे रहा हूँ, 23,800 प्लस निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। अमोल जी हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, धन्यवाद। IRCTC लेना चाहिए? जी नहीं, IRCTC से बेहतर चॉइसेस आपके पास है इस वक्त, तो वो थोड़ा छोड़ दीजिए। जियो फाइनेंस के बारे में हिमांशु जी मैं बता चुका हूँ, आपके पास है बिल्कुल होल्ड करिए। अभिषेक शर्मा साहब और अमोल जी हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा चेतानी जी मंडे का टारगेट पूछ रहे हैं, बता चुका हूँ मैं 2800 प्लस का टारगेट है, बिल्कुल रखिए। हनीवॉल ऑटोमेशन कंपनी अच्छी है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, सोनू जी पूछ रहे हैं, सोनू जी बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो में है तो रखिए, इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तिवारी जी, जीत तिवारी जी शुभकामनाएं दे रहे हैं, धन्यवाद तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और शिवानी गुप्ता जी IR भी लेकर बैठी है, आप होल्ड करिए, कोई चिंता की बात नहीं है। अंबुजा सीमेंट पर मैं पॉजिटिव हूँ, बुलिश हूँ। सुचिता जी पूछ रही है, सुचिता जी होल्ड करिए। अदानी एंटरप्राइज का लेवल, लेवल माफ कीजिएगा जगदीश जी, मैं मुझे ध्यान में नहीं है, बताना मुश्किल है मेरे लिए, पॉजिटिव हूँ मैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन लेवल मेरे ध्यान में नहीं है, इसलिए बताना मुनासिब नहीं होगा, गलत देना ठीक नहीं है। याद है तो ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं क्या? प्रीमियम मेल्ट होगी इलेक्शन डे पर। देखिए सर, ऑप्शन सेलिंग बहुत रिस्की काम है। आशीष शाह साहब पूछ रहे हैं, सोच समझ के कीजिए अपने रिस्क को देखकर, आर या पार वाला मामला हो जाता है, तो इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, स्पेशली इलेक्शन के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। बाकी दिन आप करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए एक दो सवाल और लिखते हैं। वैभवी जी पूछ रहे, खरीदने का मौका मिलेगा भी? ये इस बात पे डिपेंड करता है वैभवी जी, आप कब के लिए खरीदना चाहते हैं? क्या 3 तारीख को खरीदकर 4 को बेचना है, या 4 को खरीदकर 5 को बेचना है? अगर आपको 4 जून 2024 को खरीदकर 4 जून 2025, 26, 27 को बेचना है तो बिल्कुल मौका है, लेकिन आपको 4 जून को खरीदकर 5 ही को बेचना है, 1 दिन 2 दिन हफ्ते 2 हफ्ते के लिए है व्यू, तो फिर आपको टाइमिंग करने की जरूरत है। अगर आपका व्यू 2-3 साल प्लस का है तो ये बाजार 3 जून को भी मौका देगा, 4 को भी देगा, 5 को भी देगा, कोई चिंता की बात नहीं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट। सोना BNW टारगेट तो मुझे पता नहीं, विवेक मलिक साहब पूछ रहे हैं, लेकिन होल्ड आपको जरूर करना चाहिए। सतीश जूनियर जी का धन्यवाद बर्थडे विशेष के लिए। अदानी पावर बायोन मंडल सर 750 के आसपास पहुंच गया। सुमिता जी अब थोड़ा सा रुक जाइए, लेकिन चलेगा जरूर, है तो होल्ड करिए, जल्दी से बेचिएगा मत, ये इतना ध्यान में जरूर रखिए। ओके, टाटा मोटर्स कैसा है सर? टाटा मोटर अच्छा है, आप अच्छे हैं ना, रखिए रखिए। अरे वाह, फाइनल डेस्टिनेशन जोधपुर से, भाई साहब नाम तो बताइए, हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, धन्यवाद। उमंग जी टाटा मोटर्स बिल्कुल होल्ड करिए, कोई चिंता की बात नहीं है। राहुल चौहान टाटा मोटर्स, भाई साहब टाटा मोटर्स इतने पेशेंट है, IRB टाटा मोटर्स बड़े पेशेंट है इसके, बहुत सारे, होल्ड करिए सर, कोई दिक्कत वाली। LIC लॉन्ग टर्म में बता चुका हूँ अंकल जी, अंकुर गांधी साहब को 1200 और 1500 के टारगेट के लिए आपको इसे निवेश करके रखना है। मिड कैप निफ्टी सेलेक्ट FNO मंडे ओपन, आपका सवाल समझ नहीं पाया सर, फिर से लिख के भेजिए जरा साफ एकदम। सर आपका आउटफिट एकदम पॉजिटिव मोड है, निफ्टी डेफिनेटली 24,000 जाएगा। अंबुज उपाध्याय, अरे अंबुज जी बहुत बहुत धन्यवाद, बस होना चाहिए, आपकी शुभकामनाएं। HALBL गुप्ता जी, विद्यांशु गुप्ता, होल्ड करिए सर, बहुत बढ़िया स्टॉक है दोनों, कोई दिक्कत नहीं। HEG में डीमर्जर तो आया है, कि उसके बाद स्टॉक में कमजोर नतीजों की वजह से प्रॉफिट बुकिंग हुई, थोड़ा सा इंतजार करें, एक बार जरा रिजल्ट अगर अच्छे आने लगे तो उसके बाद खरीदना चाहिए, ये तो आपके पास होल्ड कर सकते हैं। आपका बर्थडे BJP और पूरा देश मनाएगा इस बार,
वाईएस शर्मा साहब धन्यवाद। मेरा बर्थडे तो हर साल आता जाता रहा, ये 5 साल अच्छे निकले, इलेक्शन के नतीजे बढ़िया जाए तो आप हम सब मिलकर साथ में मनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए कुछ और सवाल आ रहे हैं। पवन अंजकर साहब कह रहे हैं सर गरीब लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं मार्केट में, गरीब लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते, हमेशा की तरह पैसे वाला ही पैसा बनाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है कि पैसे से पैसा बनाना डेफिनेटली आसान होता है, कम पैसे से ज्यादा पैसा कमाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो शुरुआत में ये कहते हैं कि जब बैट्समैन आता है तो थोड़ा पिच पे रुकता है, देखता है पिच, देखता है बॉल, देखता है स्विंग कितनी हो रही है, स्पीड क्या आ रही है, तो थोड़ा रुकिए टिकिए, पहली बॉल से सिक्स मत मारिए। तो थोड़ा जल्दी जल्दी पैसा कमाने के बजाय शुरुआत में थोड़ा सा ग्रिप बनाइए, लॉन्ग टर्म व्यू रखिए। एक बार जब आप मार्केट की चाल को मार्केट को अच्छे से समझने लगे उसके बाद आपको ट्रेडिंग करनी तो करिए, थोड़ा इतना आसान नहीं है जल्दी से पैसा बनाना, ये ध्यान में रखिए। उमंग जी ने बर्थडे विशेष भेजी है, धन्यवाद उमंग जी। प्रवीण सिंगानी साहब ने भी भेजी है, धन्यवाद। अदानी एंटरप्रेन्योरशिप व्यू भी मांग रहे हैं, बहुत अच्छा सर। निफ्टी टारगेट मंडे और ट्यूजडे, मंडे का बता चुका हूँ, ट्यूजडे का भी नहीं बता सकता जब तक ना आए। BSE बाय करें या वेट, थोड़ा सा वेट करें, लेकिन है तो बिल्कुल भी होल्ड करें। राजदीप सिंह खाड़ा साहब का ये सवाल है, चलिए बहुत बढ़िया। और NTPC पर व्यू पूछ रही है मोनिका जी, होल्ड करिए। पूजा जी व्यू पूछ रहे हैं, आज इंडस्ट्री और वरुण बेवरेजेस दोनों होल्ड हैं। बर्थडे पिक अनुज जी आने वाली है, इंतजार। सिगाची ठीक स्टॉक है, मेरा बहुत क्लोजली ट्रेड नहीं किया हुआ है। विनोद जी हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, धन्यवाद विनोद जी। और इसके अलावा माफ कीजिएगा, इज दिस रिजल्ट ऑलरेडी डिस्काउंटेड? रिजल्ट अभी कहाँ डिस्काउंटेड हुआ है सर, अभी तो FIs 13% लोग हैं, देखो कहाँ जाएंगे, यही आएंगे, लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है बस, आप बात को समझ लीजिए। क्योंकि क्या है, अगर नहीं खरीदेंगे तो करेंगे क्या, तो FIs भी यही आकर लेने वाले हैं, बिल्कुल भी चिंता न करें। मार्केट टू सैल्यूट मोदी जी, ये थोड़ा ज्यादा हो गया भाई साहब, अपर सर्किट लगाना थोड़ा मुश्किल काम है, 400 पार करें तो भी अपर सर्किट तो नहीं लगेगा, ये बात पक्की है ना। वंश भाटिया जी कह रहे हैं इलेक्शन पर स्पेशल स्टॉक बताइएगा, जरूर बताऊंगा सर मैं। और निखिल दूध साहब जोधपुर कब आएंगे, अरे वाह, आप ये नहीं, ये ऐसा इमोशनल मत करिए, मतलब जोधपुर मेरे दिल के बहुत करीब, दिल के करीब नहीं, जोधपुर दिल के अंदर है। और आप पहले वादा कीजिए कि वो गुलाब जामुन की और चक्की की सब्जी खिलाएंगे तो फिर मैं आऊंगा, तो मतलब मेरी कमजोरी है जोधपुर का खाना और जोधपुर के लोग, कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं जल्दी आऊंगा सर, जोधपुर आना है मुझे, जल्दी से आऊंगा बिल्कुल। चलिए तो आप सब लोगों से विदा लूंगा। तनुजा जी कह रही है कि हैप्पी बर्थडे, और समीर जी आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन के नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक आए, आप सब लोगों की बहुत वेल्थ बने, वीकेंड एंजॉय कीजिए, हैव फन, स्टे इन्वेस्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे बिजी, थैंक यू सो मच। और हाँ एक चीज और, कल यानी आई मीन सोमवार सुबह हम एग्जिट पोल पर विशेष कवरेज कर रहे हैं, आप जरूर जुड़िएगा। मंगलवार को पूरे दिन सुबह 7 बजे से हमारी विशेष कवरेज है, बाजार के सारे दिग्गज तो होंगे, लेकिन हम इलेक्शन पे बजट पे जो होता है ना हमारा बजट कैफे BSE बजट स्टॉक एक्सचेंज, उसी तरह से हम नोट सभा बना रहे हैं लोकसभा के सामने, तो आपको नोट सभा में हमारे सारे के सारे लोग होंगे, वो आपको अपनी राय देंगे, रियल टाइम बेसिस पे आपके लिए कॉल्स आएंगे, सब कुछ आएगा। तो ये पूरा एक्शन बजट की तरह आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई पर। तो दोनों दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है 5 तारीख का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो इलेक्शन के नतीजे के दम पर। तो 3 दिन बड़ा जबरदस्त कवरेज प्रोग्राम हमने सीबीएसई बनाया आपके लिए, बहुत मेहनत की हमारी टीम ने आपके लिए, और प्लीज आप जरूर देखिएगा। और मैं तभी मानूंगा कि भाई हाँ आपकी बर्थडे विशेष मेरे लिए तभी है जब आप पूरा प्रोग्राम देखकर हमें अपना प्यार दें। तो मैं एक बार फिर से आप सबको लोगों का, जिन जिन्होंने मुझे बर्थडे की शुभकामनाएं भेजी है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सोमवार सुबह आपकी फिर मुलाकात होगी, कोशिश करूंगा अगर कल मैं एक इंस्टा रील कर पाया समय मिला तो, कल संडे थोड़ा मेरा पर्सनल मी टू टाइम है थोड़ा सा। और आखिर में महेश गरुड़िया साहब, लव यू बॉस, वेरी बिग फैन ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कल कोशिश करूंगा, हो पाया तो, नहीं तो फिर सोमवार को तो आप सबसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।